चलिए व्यूअर्स, अभी हो गया है नाश्ते का टाइम और जो कि मुझे लेके आना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और देखते हैं कि हम क्या लेके आते हैं। तो चलिए आए मेरे साथ। अभी मुझे यहाँ पर दूध लेना है, लेकिन उससे पहले मैंने ब्रेड भी लेनी है। अभी मैं देख लूँ ब्रेड आज की कौन सी है। आज की तो मुझे कोई लग नहीं रही, मेरे ख्याल से शायद ये बेक पार्लर की यहाँ पर ब्रेड है। हाँ, ये मुझे अच्छी लग रही है। आप भी बताइएगा ये कैसी होती है। एक ये भी ले लिया है, दूध भी ले लिया है। ये थोड़ा रीज़नेबल हो जाता है। ब्रेड हो गई है, दूध हो गया है, और क्या रहता है वो मैं सोच रहा हूँ। बाकी इनमें से तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ अभी नहीं चाहिए। ये तो चिप्स भी हैं, सब कुछ है। ये आइटम है मेरे पास, अभी नहीं चाहिए। मेन चीज़ याद आ गई, एवरीडे के साथ चाहिए मुझे। चाय बनाने के लिए ज़बरदस्त रहते हैं। कितने हो गए? 200 हो गए, 425। भाई जी, ये सामान तो आ गया लेकिन बैग नहीं आया। बैग के अलग से चार्जेस ले रहे हैं और वो मुझे अभी लेकिन लेना पड़ेगा, मजबूरी है। चलें, कुछ और भी सामान है वो भी ले लूँ मैं। ये है पाई इन द स्काई, यहाँ से लेना है कुछ सैंडविच। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं अभी अंदर गया था पाई इन द स्काई पे, एक्चुअली काफ़ी रश है आप देख सकते हैं। तो अभी जैसे थोड़ा सा, क्योंकि शॉप बहुत छोटी है, 3 से 4 बंदों की जगह है, लेकिन अभी ये जैसे खाली होगा तो फिर आपका भाई करेगा अंदर एंट्री। ये इनका बोर्ड काफ़ी मैला हो रहा है, इनको चाहिए ज़रा इसकी साफ सफाई का ख्याल करें। बारिश होगी तभी साफ होगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। मे भी हो सकता है कर लें। सबसे अच्छी और प्यारी बात यह है कि हमारी आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, इन्होंने भरवाना ही है। लेकिन पहले से रश काफ़ी कम है, क्योंकि आज 272 रुपये यानी 272 रुपीज़ जो है पेट्रोल हो गया है। और ये आप रश तो खैर नहीं है, थोड़ी थोड़ी गाड़ियां हैं ये आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, इनको तो पेट्रोल चाहिए, इसलिए वो कर काम भी नहीं है। अभी भी काफ़ी रश है इसके अंदर पाई इन द स्काई के, और मैं वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली शॉप बहुत छोटी है, तो ये जैसे ही खाली होता है तो फिर मैं अंदर एंट्री करता हूँ। और माशाल्लाह सूरज भी काफ़ी गर्म हो चुका है, वो वैसे ही गर्म है, मेरा दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा है। अल्लाह खैर करे, अभी ये टायर जो है इसका पंक्चर लगवाया था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस टायर में थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगता है। इसमें हवा हमेशा थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन अभी मुझे सही लग रही है। हाँ, बस ये दो हो गए हैं सैंडविच, और ये फाइनली अभी हमने सैंडविच ले लिए। अच्छा, इसमें जो है कार्ड ले लेंगे आप? कार्ड तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, अभी माशाल्लाह यहाँ पर पाई इन द स्काई पे आ गए हूँ। मुझे सैंडविचेस चाहिए थे, वो मैंने ले लिए, और अभी इंशाल्लाह हम अपना व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे बाकी जो है, और आपके साथ में बता। तो फाइनली जो है वो सैंडविच ले लिया मैंने, बिल भी हो गया है। कार्ड पे थोड़ी सी अच्छी ऑफर थी, 15% ऑफ था, तो चलिए मुझे उसका बेनिफिट भी हो गया। तो चलिए अभी देखते हैं गाड़ी में बैठ के। जी व्यूअर्स, तो ये है सैंडविच। ये एक्चुअली थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा आपको इसके बारे में शॉर्ट में। ये ब्राउन ब्रेड में है, और इसका जो है टेस्ट स्मोकी टेस्ट है, स्मोकी टेस्ट, सॉरी बोलते हैं स्मोकी, कह रहा हूँ स्मोकी टेस्ट है, और काफ़ी मतलब टेस्ट में अच्छा रह जाता है। तो सामान वगैरह सब हो गया, लेकिन आखिर में मसला ये कि कोई बैग अभी तक नहीं आया मेरे पास। तो चलें बैग का भी इंतज़ाम करता हूँ मैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह नाश्ता भी हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे ये सामान पहुँचा दूँ, क्योंकि घर पे ये ज़रूरत है सामान की, और फिर आगे जो है व्लॉग को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये नो पार्किंग में लोग अक्सर गाड़ी खड़ी करते हैं, जो कि गलत है, और मुझे लग रहा है कि मैं तो इस लाइन में नहीं आ गया। तो व्यूअर्स, फाइनली शाम का वक्त हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर उसके बाद हमने सोचा था चलें क्यों ना अब डिनर कर लिया जाए। फिर डिनर के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट गए थे, जहाँ पर मिले ये नूडल्स, और उसके साथ कुछ ज़बरदस्त किस्म का था सैलेड, और सैलेड के साथ एक बिरयानी भी थी, वो भी ट्राई की। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो
तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। बिरयानी वाकई बड़ी जूसी थी यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रायते के साथ खाएं बिरयानी और इन्जॉय करें और जितना हो सके अल्लाह पाक का जिक्र करें।